बाबा रामदेव भी आए, पतंजलि मैगी खाइए और मैगी की तरह इठा जाइए ऐसे निकालेगा आलू ऐसे छीलना चालू करेगा, वो में काला रहेगा देखेगा, देख नहीं ना रहा है, नहीं देख रहा है, फोड़ दिया ले मारो में सान रहा एकदम किचाइन करके में, उसके एकदम काच के ले पूरा पेट दिया उसमें, हाथ से पोछ दिया इसमें ले। तो आप किसी भी तरह की दुकानों पे रहेंगे तो उसमें पोषाहार का ध्यान रखना है, उसमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, और सरकार इस पर ध्यान रखती भी है। कौन सा मंत्रालय रखता है? तो खाद्य मंत्रालय जो है वो एक स्टैंडर्ड बनाया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देखेंगे किसी भी खाने वाले चीज पर इसका एक मोहर मिलेगा, और अगर ये मोहर नहीं है तो वैसे खाने वाले आइटम्स को मत खरीदिए, उस पर कोई गारंटी सरकार नहीं लेती है। लेकिन आप देखेंगे भारत में कोई भी चीज अगर पैक्ड आइटम है तो उसको FSSI से परमिशन लेना ही होगा, पैक है तब और उस पर ब्रांड नेम है तब। अब पटना में तो चिप्स भी पैक करके इसे मोमबत्ती से दाग के दे देता है सब उस पर ब्रांड नेम नहीं रहता है लेकिन ब्रांड नेम अगर आ गया तो उस पर किससे परमिशन लेना पड़ेगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें सेफ्टी भी ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड का भी क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वो कंपनी को रजिस्टर्ड होता है, और जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी का पूरा डाटा उसके पास रहता है कि कौन सा पैक्ड आइटम कहाँ पर गया है, कौन से चीजों को उसमें मिलाया गया। इसमें नेस्ले कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, किटकैट एगो चॉकलेट आता है नेस्ले ही बनाती है, नेस्ले ही मैगी को भी क्या करती है बनाती है, कॉफी भी बनाते हैं, नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। तो उसने ना क्या किया, मैगी बनाया था तो मैगी में 4% लेड डाल दिया। अब हम आपको बायोलॉजी के क्लास में पढ़ाए हैं, किसी भी चीज को अगर नैनो पार्टिकल में करते हैं तो उसकी क्वालिटी ही चेंज हो जाती है। आप लोहा खड़े नहीं चबा सकते, लेकिन उसी लोहा को अगर आप नैनो पार्टिकल में बदल देते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी क्वालिटी ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो शीशा नुकसान नहीं करता, लेकिन गर्म, जहां गर्म टेम्परेचर है, जैसे भारत जो है वो गर्म टेम्परेचर वाला देश है, यहां पर अगर लेड का मात्रा 2% से ज्यादा करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो क्या वो पोषाहार था? नहीं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि मैगी को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कितना शीशा है, 4%। मैगी ने कहा कोई बात नहीं, कनाडा में 5% तक शीशा क्या है, अलाउ है, यहां से सबका मैगी वापस मंगाया, अब उसका पैकेट फाड़ दिया और कनाडा वाला पैकेट में पैक कर दिया, क्योंकि वहां तो लिखा रहेगा ना मेड इन इंडिया, या फिर वहां की कंपनी का कौन से कलर का ब्रांडिंग होगा। अलग अलग जगह पे तो हमारे यहाँ मैगी पीला रंग के प्लास्टिक में मिलता है, वहां पर समझ में आ गया कि नहीं, लाल भी मिलता है, पीला टाइप का मिलता है मैगी। हम एक दिन मैगी बनाए सोच रहा काला हो गया और उसको छोड़ ही नहीं रहा था, उसमें पकड़ लिया, हम गए चाचा तूने झूठे ना कहता है 5 मिनट में, यहाँ पे 2 मिनट। तो मैगी को कहां भेज दिया, कनाडा, और यहां जो मैगी लाया वो किसमें कितना परसेंट लेट था, उसमें 2%, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाबा रामदेव भी आए, पतंजलि मैगी खाइए और मैगी की तरह इठा जाइए ऐसे आगे बढ़े। आप इसके लिए कई जगह जांच भी होती है। अब जैसे हलवाई लोग हैं तो मिठाई देंगे आपको, मिठाई मान के चलिए खोआ को से मिठाई बनती है, दूध से छेना बनाकर उसकी मिठाई बनती है। अब उस मिठाई में अगर मिलावट करिएगा और पैसा लीजिएगा ओरिजिनल, ये तो गलत बात है कि नहीं यहाँ पर, तो उसके लिए भी जांच आती है, उसे कहते हैं सैंपल जांच करने वाले आए हैं, सैंपलिंग वाले। तो देखिएगा जब सैंपलिंग वाले आएंगे ना, सब शटर गिरा के भाग जाता है सर, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ झोलता तुमरे में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब दूध वगैरह लीजिएगा तो उसमें भी लोग थोड़ा थोड़ा क्या मिला देते, पानी, लेकिन अगर हाँ पैसा ठीक ठाक दीजिएगा तो पानी नहीं मिलाते। पटना में तो गाय लेके घूम, इलाहाबाद में ना गाय लेके घूमता है, यहां तो एक जगह बैठ जाता है ना कि आप वहां से खरीदिए, इलाहाबाद में ना घर घर गाय लेके, जिसका उठौना दूध है ना गैये लेके चलते रहेगा और सामने दूध के दे देगा एकदम फ्रेश, कोई मिलावट का सवाल पैदा नहीं होता वहां पे। अब फिर पता चला उनके यहां भी देना है तो गाय को ले चलेगा उनके यहाँ, तो वहां का ना जो, तो अब वहां का स्टैंडर्ड उसी टाइप का है, वही से लेके जाते हैं। अब पटना में ऐसा ऐसा गली है कि गाय मुड़िए नहीं पाएगी, ले अटक जाएगी गैये उसमें, यहाँ पे फिर उसमें बैग गियर नहीं होता है तो जांच होता है कि नहीं। हम लोग का एक दोस्त था, जब हम लोग ग्रेजुएशन करते थे तो उससे घी मंगाते थे, उसके यहाँ गाय 10-12 होती, जो हम लोग वाला जो घी लाता था वो उतना मस्त नहीं लगता था, जो उसका रहता था वो बहुत बेहतरीन रहता था। तो हम लोग मंगाते थे ना तो रात में बदल देते थे, ले अब उसका रहता था वो भी लेकर, हम लोग साथ में पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, तो ले आता था, हम लोग वाला जो घी देता था
वो भी अच्छा रहता था, लेकिन उसका वाला सुपर स्पेशल रहता था। तो रात में बदल दिए लोग और टेस्ट समझ जाता था मेरा किसने बदला है, कौन बदलेगा, सब तो तुम्हारे ही घर का है। तब बाद में कहा कि पोल खुल जाएगा, इसलिए सबके लिए अच्छा लाता था। तो उन लोग के पास भी अपना पूरा आइडिया रहता है। तो सरकार इस पर बहुत ध्यान रखती है, जगह जगह जांच भी होती है, सैंपलिंग जांच, पकड़ा भी जाते हैं लोग, तो सैंपलिंग वाले उसके स्टैंडर्ड को सुधारने के बजाय पैसा लेके चले जाते हैं। खत्म कहानी यहाँ पे। तो पोषाहार को सरकार बढ़ावा देती है कि नहीं देती है? इसको जांच करने के लिए पैकेट सामान के लिए FSSAI और खुले सामानों की जांच के लिए सैंपलिंग वाले आते हैं सर, और वो जांच करते हैं सब आपका कि किस तरह के स्टैंडर्ड को आपने रखा है। मिठाई है तो मिठाई ढका होना चाहिए, उसका नियम है, पूरा लिस्ट थमाते हैं सब। लेकिन भारत में पकौड़ी छान के रख दिया, नियम के हिसाब से उसको जाली से क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। बहुत जगह ढकता भी है सब। यहाँ पर आप जाएंगे दिल्ली वगैरह में तो आप फोचका पानी पूरी खाएंगे तो चम्मच से खिलाएगा या फिर उसमें ऐसे प्लास्टिक वाला पहन के ग्लव्स खिलाएगा। आप पटना में आइएगा, ससुर 5 रुपया का है, निकालेगा आलू ऐसे छीलना चालू करेगा, वो में काला रहेगा, देखेगा देख नहीं ना रहा है, नहीं देख रहा है, फोड़ दिया वही में, ले मारो में सान रहा है एकदम किचाइन करके, वही में उसके एकदम काच के ले पूरा पेट दिया, उसमें हाथ से पोछ दिया, इसमें ले वही में भर रहा है कि ले इसे जाते नहीं, पूरा किचाइन करके रख दिया। वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, लेकिन अपना अपना एक जीवन शैली बन जाता है।